फ्रेंड्स, वेलकम टू दिवाकर फिजिक्स। चलिए आइए हम एक और डिफरेंस पढ़ लेते हैं, सिंगल फिक्स्ड पुली और सिंगल मूवेबल पुली का, है ना। तो ये चैप्टर थ्री में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप एक एक पॉइंट समझ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना है कि आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज इसका वन होता है। सो सिंगल फिक्स्ड पुली का मैकेनिकल एडवांटेज वन होता है, इसलिए ये फोर्स को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। मैकेनिकल एडवांटेज एक्चुअली कितने टाइम एक मशीन फोर्स को मल्टीप्लाई कर सकता है वो बताता है। तो ये इट कैन नॉट मल्टीप्लाई द फोर्स, लेकिन इट्स आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज सिंगल मूवेबल पुली का टू है। तो इसका मतलब ये जितना आप फोर्स देंगे उसको डबल कर देगा। इसका मतलब टू टाइम्स इट विल इंक्रीज। इफ यू गिव एफर्ट ऑफ 100 न्यूटन इट विल मेक 200 न्यूटन। तो वो इसका मैकेनिकल एडवांटेज टू है आइडियल केस में, लेकिन कुछ एनर्जी लॉस होने की वजह से थोड़ा सा कम होगा प्रैक्टिकली। ओके, सेकेंड पॉइंट में हम जाते हैं। इट जस्ट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट टू कन्वीनियंट डायरेक्शन। तो ये ऊपर से ऊपर लगाना पड़ता, तो इसको नीचे कन्वीनियंट डायरेक्शन में एफर्ट कर देता है, लेकिन विदाउट चेंजिंग द मैकेनिकल एडवांटेज। लेकिन इसका ये फ़ायदा है क्योंकि टू आ गया, तो इसलिए इट एक्ट्स एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। तो जहाँ ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत है तो आपको मूवेबल पुली यूज़ करना। ओके, थर्ड पॉइंट है, इट्स वेलोसिटी रेशियो इज़ वन। क्योंकि जितना आप इधर रस्से खींचेंगे, लो एफर्ट को मूव करेंगे, उतना ही वो थोड़ा सा सेम ऊपर आ जाएगा। लोड विल बी मूव्ड टू द सेम डिस्टेंस, तो वेलोसिटी रेशियो वन हो गया। लेकिन इसका क्या है, वेलोसिटी रेशियो टू हो जाता है, क्योंकि ये जो स्ट्रिंग है वो दो बार आता है इसमें, है ना, ऊपर। तो आप एक एफर्ट इस तरह से ऊपर करेंगे तो वो लोड हाफ आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ सपोर्ट रहता है। ये मूवेबल है, ये लोड के साथ भी वो ऊपर आ जाता है। ओके, तो फोर्थ पॉइंट है, वेट ऑफ द पुली डज नॉट अफेक्ट इट्स मैकेनिकल एडवांटेज। क्योंकि वो फिक्स्ड है, उसका एक्सिस फिक्स्ड है, इसका वेट कुछ नहीं करेगा, वो सिर्फ एक फिक्स्ड एक्सिस में वो घूमता रहता है और सपोर्टेड है, रिजिड सपोर्ट। और इसमें वेट ऑफ द पुली इटसेल्फ रिड्यूसेस द मैकेनिकल एडवांटेज। तो क्योंकि वो मूवेबल है, वो लोड के साथ उसको भी ऊपर आना पड़ता है, दैट मीन्स वर्ड द एफर्ट वी अप्लाई, तो वो उसको पुली को लिफ्ट करने में भी काम आता है। इसलिए द मूवेबल पुली इज लाइटर यूजुअली, क्योंकि उसका वेट आइडियली जीरो होना चाहिए, बट प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो उसका वेरी लाइट वेट हम यूज़ करते हैं, क्योंकि उसके फिर भी उसकी वजह से मैकेनिकल एडवांटेज कम हो जाता है। थैंक यू।